हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर सेकंड का एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें हम कुछ मेन टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट है आपका एक्सक्रीशन एंड इट्स रिक्वायरमेंट, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, किडनी, बोमेंस कैप्सूल, रेनन ट्यूबल्स, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने जो खाना खाया है उससे हमको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन की प्रोसेस के बाद जो खाना है उसका डाइजेशन किया जाता है। डाइजेशन की प्रोसेस के बाद जो हमारे लिए यूज़फुल कंपाउंड्स हैं उनको स्टोर कर लिया जाता है, और जो वेस्ट फूड है जो नाइट्रोजीनियस फॉर्म में है उनको बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। क्योंकि अगर ये बॉडी में रहेंगे तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इनको एक्सक्रीट करना ज़रूरी है। यही प्रोसेस जो है वो एक्सक्रीशन कहलाती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सक्रीशन क्या होता है और इसकी हमारी बॉडी को क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है वो देखेंगे। बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना ही क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। और ये वेस्ट मटेरियल्स नाइट्रोजीनियस फॉर्म में होते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। अब है नीड ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि एक्सक्रीशन से हमारी बॉडी का वाटर बैलेंस होता है, बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस किया जाता है, और बॉडी में जो एसिड और बेस हैं उनके अमाउंट को बैलेंस किया जाता है। साथ ही एक्सक्रीशन से बॉडी में जो साल्ट है उनका बैलेंस भी किया जाता है, इसलिए हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन की ज़रूरत पड़ती है। जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं वो तीन फॉर्म में होते हैं, अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया। जो एनिमल्स अमोनिया को नाइट्रोजीनियस वेस्ट के रूप में बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, उनको बोलते हैं अमोनोटैलिक। अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये जो एनिमल्स होते हैं वो मोस्टली वाटर में पाए जाते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, फिशेस, एम्फीबियंस और एक्वेटिक एनिमल्स। यूरिया का एक्सक्रीशन मैमल्स में, ह्यूमन बीइंग्स में, जो सी फिशेस और फ्रॉक्स होते हैं उनमें होता है, इसलिए उनको यूरियोटैलिक बोलते हैं। हमारा जो लीवर है वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और बाद में ये किडनी द्वारा फिल्टर कर दिया जाता है और बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो हम क्या हो गए, यूरियोटैलिक हो गए। अब है यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक वो एनिमल्स या बर्ड्स होते हैं जो यूरिक एसिड को नाइट्रोजीनियस वेस्ट की तरह एक्सक्रीट कर देते हैं बॉडी से। यूरियोटैलिक में बर्ड्स आएंगे, रेप्टाइल्स आएंगे और इंसेक्ट्स आएंगे, क्योंकि इनको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है एक्सक्रीशन के लिए, इसलिए ये किस में आएंगे, यूरिकोटैलिक में आएंगे। हमारी बॉडी में जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो किडनी होता है, इसलिए हम पहले किडनी के बारे में पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ किडनी इज़ कॉल्ड नेफ्रोलॉजी। किडनी के बारे में जो स्टडी की जाती है उनको नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और किडनी का जो कलर होता है वो थोड़ा रेडिश कलर होता है, और ये एक बीन लाइक स्ट्रक्चर में होती है। हमारी जो किडनी है उसका वेट होता है 150 से 170 ग्राम। हमारी बॉडी में जो अब्डोमिनल कैविटी है यानी स्टोमक के लेफ्ट और राइट साइड में ये किडनी पाई जाती है। किडनी की जो लेंथ होती है वो 4 to 5 inch होती है, और इसकी जो विड्थ होती है वो 2 inch की होती है। ये डायग्राम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का है। हमारी बॉडी में जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो किडनी में होता है। किडनी से वो कैसे यूरेथ्रा के तक आता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो यूरिन है वो किडनी से यूरेटर डक्ट जो है, ये जो पाइप जैसे स्ट्रक्चर है, उसमें आता है। फिर ब्लैडर में कुछ टाइम तक स्टोर रहता है। फिर यूरिन जो है वो यूरेथ्रा से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ये हमारी किडनी का डायग्राम है। किडनी जो है वो रेनल आर्टरी और रेनल वेन से जुड़ी हुई होती है। किडनी का जो आउटर पार्ट है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और अंदर वाले पार्ट को मेडुला बोलते हैं। किडनी नीचे की साइड यूरेटर से जुड़ी हुई होती है, जिससे यूरिन यूरेथ्रा तक पहुंचता है और एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। अब हम किडनी के बारे में कुछ मेन बातें जान लेते हैं।
जो किडनी होती है वो मैमल्स में एक पेयर की तरह होती है, मतलब दो पाई जाती है। ह्यूमन बींग्स भी मैमल्स होते हैं, इसलिए किडनी जो है ह्यूमंस में भी दो पाई जाती है। किडनी जो है उस पे लेयर होती है फैट की, जो किडनी को प्रोटेक्ट करके रखती है। किडनी की जो यूनिट होती है उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। ऐसा कहा जाता है कि एक किडनी में कम से कम 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाई जाती है। ये नेफ्रॉन क्या करती है? फिल्ट्रेशन का काम करती है। नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, बोमन्स कैप्सूल एंड रेनल ट्यूबल्स। बोमन्स कैप्सूल कप जैसे शेप के होते हैं और नेफ्रॉन में ऊपर के साइड पाए जाते हैं। ये जो कप के जैसे शेप है वो कैपिलरीज के बंच के कारण होती है। और हमने पढ़ा था कि कैपिलरीज क्या होती है, आर्टरीज और वेंस दोनों पाई जाती हो उसको कैपिलरीज बोलते हैं। एफेरेंट आर्टरी जो है वो इम्प्योर ब्लड को रिसीव करती है और इफेरेंट आर्टरी जो है वो प्योर ब्लड को फिल्ट्रेशन के बाद ट्रांसफ़र कर देती है। बोमन्स कैप्सूल में ग्लोमेरुलस फिल्टर लगे होते हैं जो ब्लड को फिल्टर करते हैं। और बोमन्स कैप्सूल जो होते हैं वो कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो कप हैं वो कैपिलरीज से बने होते हैं। इसमें पीसीटी डक्ट और डीसीटी डक्ट भी लगी होती है। पीसीटी डक्ट जो होती है वो यूरिन में H+ आयन सेक्रेट करती है, जिससे यूरिन जो है वो एसिडिक मीडियम का हो जाता है। पीसीटी डक्ट जो है वो ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स को रख लेती है। नेक्स्ट है डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब का काम होता है सॉल्ट जो हमारी बॉडी में होता है NaCl के रूप में, उसको अब्जॉर्ब करना और वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करना। असेंडिंग लिम्ब्स का काम होता है आयंस को अब्जॉर्ब करना। जो DCT डक्ट होती है वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को कलेक्टिंग डक्ट को ट्रांसफ़र कर देती है। कलेक्टिंग डक्ट सबसे लास्ट में जुड़ी हुई होती है, जिसमें यूरिन को स्टोर किया जाता है। रीनल ट्यूबल्स बोमन्स कैप्सूल के स्टार्टिंग में लगी होती है। एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कलेक्टिंग डक्ट तक इसको कनेक्ट करके रखती है। रीनल ट्यूबल्स का जो मिडल पार्ट है उसको हेनलीज लूप कहते हैं। ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होती है, जिसमें PCT, बोमन्स कैप्सूल, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, हेनलीज लूप, DCT, कलेक्टिंग डक्ट लगी हुई होती है। इनकी प्रोसेस को हम आगे पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो 3 स्टेप में होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन और सेक्रेशन। यूरिया जो है उसको लीवर प्रोड्यूस करता है। ऐसा कहा जाता है कि एक हेल्दी पर्सन जो है वो पूरे दिन में 1.5 से 2 लीटर यूरिन को प्रोड्यूस करता है। यूरिन फॉर्मेशन के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो होती है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, जो किडनी द्वारा की जाती है। किडनी द्वारा 1 मिनट में 1000 to 1200 milliliter ब्लड को फिल्टर कर दिया जाता है। फर्स्ट स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें अफेरेंट आर्टरी जो ब्लड लेके आती है वो इम्प्योर ब्लड होता है। बोमन्स कैप्सूल में जो कप जैसी स्ट्रक्चर होती है उसको ग्लोमेरुलस फिल्टर बोलते हैं, जिससे ब्लड को फिल्टर किया जाता है। और इस ब्लड में न्यूट्रिएशंस घुले हुए होते हैं, सिर्फ प्रोटीन घुले हुए नहीं रहते, बाकी ब्लड में सब कुछ घुला हुआ रहता है। देन इसमें जो ग्लूकोज है, एमिनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, इनको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है, ब्लड फिल्टर हो जाता है। इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का नाम दिया जाता है। रीअब्जॉर्प्शन जो होता है उसमें 99% तक जो फिल्ट्रेशन का काम है वो रीनल ट्यूबल्स द्वारा कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। यूरिया ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको रीअब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, इसलिए यूरिया जो है वो एक वेस्ट सब्सटेंस है। देन रीनल वेन जो है वो प्योर ब्लड को ट्रांसफ़र कर देती है, जो किडनीज द्वारा प्योरीफाई किया गया होता है। अब है सेक्रेशन की प्रोसेस। किडनी के अलावा हमारी बॉडी में लंग्स, स्किन, लीवर द्वारा भी एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है। ये भी वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करते हैं। लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करने में काम आता है।
अगर बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारी बॉडी में जो वाटर है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बोनिक एसिड बना लेती है जो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को भी बॉडी से एक्सक्रीट करना ज़रूरी होता है। लीवर जो है उसमें यूरिया और अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। लीवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और लीवर द्वारा विटामिन्स, स्टेरॉयड हार्मोन, बिलरुबिन इनका भी एक्सक्रीशन किया जाता है। हमारी जो स्किन है वो सॉल्ट को, यूरिया को, लैक्टिक एसिड को स्वेट की फॉर्म में बाहर निकाल देती है, मतलब पसीने के थ्रू क्या करती है वो बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकाल देती है। और वो वेस्ट मटेरियल सॉल्ट भी हो सकता है, यूरिया भी हो सकता है, लैक्टिक एसिड भी हो सकता है। इसलिए लंग्स, लीवर और स्क्रीन भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन माने जाते हैं, लेकिन किडनी जो है वो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ह्यूमन सिस्टम का। तो हमने पढ़ा हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो नाइट्रोजीनियस फॉर्म में होते हैं जिनको बॉडी से एक्सक्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमने देखा कि यूरिन जो है वो किडनी से यूरेटर की सहायता से ब्लैडर में आता है और वहाँ कुछ टाइम तक स्टोर रहता है, देन इसको यूरेथ्रा जो है उससे एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं और जो ऑर्गन्स एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं उनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहा जाता है। हमारी बॉडी का जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो किडनी है। तो हमारा एक्सक्रीटरी सब्सटेंस कौन सा हो गया? यूरिया, जिसको बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। जो एनिमल्स अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं उनको अमोनोटैलिक कहते हैं, जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं उनको यूरियोटैलिक कहते हैं और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने वालों को यूरिकोटैलिक कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। Thank you. Have a nice day.